पंजाब शो गोल्डन टॉक्सिपर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस टू वन ऑफ द वेरी गॉर्जियस एक्ट्रेस ऑफ आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री मिस कायना तरोड़ा जी हाँ आप उन्हें पहले भी मूवीज में देख चुके हैं और अब फिर से वो बहुत ज्यादा हंसाने के लिए पॉलीवुड इंडस्ट्री में आ चुके हैं एक मूवी उनकी आ रही है किटी पार्टी रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड ऑन थर्टीन ऑफ दिसंबर सो नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम लेट्स मीटर हेलो मैम वेलकम टू टाइम्स पंजाब टी वी हवाई यू वेरी गुड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी मैम वेलकम टू लुधियाना ऑल्सो तो मैम सबसे पहले बताइए कि आप इससे पहले बॉलीवुड में कौन सी मूवीज में कर चुके हैं uh, मैंने डेब्यू किया था खट्टा मीठा में और दैट वॉज ऑपोजिट अक्षय कुमार इन अ सॉन्ग कॉल आईला रे आईला हती चम जो अक्षय कुमार के ऑपोजिट था प्रिय दर्शन की फिल्म थी दलेर मेहंदी जी ने गाया था सो दैट वॉज माई डेब्यू एंड देन अ प्रॉपर डेब्यू वॉज इन ग्रैंड मस्ती हंड्रेड क्रॉफ फिल्म अ ब्लॉक बस्टर ऑपोजिट विवेक ओब रॉय डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार एंड रितेश अब मैम बात करते हैं आपकी मूवी के बारे में किटी पार्टी रिलीज होने जा रही है थर्टीन दिसंबर तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आपका किस टाइप का कैरेक्टर है बिकॉज जो हमने ट्रेलर्स प्रोमोज देखे लुकिंग सो गॉर्जियस एज यू आर तो मैम उसके बारे में कुछ फोकस कीजिए थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट बट देन माई शेड इन किटी पार्टी ग्रे शेड कैरेक्टर विच आई एम डूंग फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किरदार पहले निभाया नहीं था एंड uh, uh, इसमें मुझे भोलापन भी दिखाया है सिंपल जैसमिन को भी दिखाया है एंड हाउ दैट सिंपल कैरेक्टर कन्वर्ट्स इनटू टू अ ग्रे शेड दैट यू हैव टू सी ऑन द थर्टींथ ऑफ दिसंबर जस्ट टू डेज़ नाउ लाइक डे आफ्टर इट्स रिलीजिंग सो यूल सी द फिल्म गेट टू नो दैट हाउ गुड जैसमिन इज़ और हाउ How bad she is or how good she is, that you have to decide. But then I enjoy thoroughly doing this character because it was something challenging for me to be a person I'm not in real life. So that was more challenging. तो मैम ट्रेलर्स में तो हमने देखा और इवन थोड़ी देर पहले हमने आपसे भी सुना कि आप इसमें ठगनी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो कैसे लगा इस टाइप का कैरेक्टर प्ले करने में और इतनी सारी रि नॉन पर्सनैलिटीज़ ने आपके साथ इसमें काम किया है एक्चुअली यू नो लाइक किटी पार्टी जैसे कि द नेम साउंडस किटी पार्टी लेडीज़ आजकल हाउजी खेलती हैं तंबोला गेम्स एंड दे दो एंड गॉसिप वॉट ऑल हैपन्स इन किटी पार्टी वी ऑल नो तो हमने क्या किया हमने फिल्म बनाई है कॉमेडी लेकिन इसमें रियल लाइफ इंसिडेंट्स डाले हैं नव द राइटर ऑफ द फिल्म हु हैज़ रियली पिक्टअप लाइक इंसीडेंट्स जो एक्चुअल किटी पार्टी की लेडीज़ के साथ हुआ है या होता है या होता रहता है तो वो हमने जैसे मधुर भंडारकर की फिल्में देखी हैं जो रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स उठाते हैं लाइक पेज थ्री फैशन हमने बायोपिक्स देखी हैं बट हमने रियलिस्टिक कॉमेडी कभी नहीं देखी है इसमें रियल एपिसोड्स हैं जो रियल फैमिलीज़ के उठाए गए हैं और कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ है वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा एंड इट्स सो फनी दैट ऑडियंस विल दे विल लाफ देयर लंग्स आउट मतलब हमें फ़िल्म बनाते हुए इतनी हंसी आ रही थी तो सोचो लोगों को देखते वक्त क्या हाल होगा That uh, you will see the film and you'll get to know that how entertaining it is. Uh, we have made, made a beautiful film. I hope audience they also like it. Are you personally fond of kitty parties and all? <laughs> I uh, uh, see. I'm not part of any kitty party, but then my mother used to be. And uh, but ऐसे episodes होते हैं, लोग ठकते हैं. मुझे भी किसी ने ठगा था एक बार. मुझे एक बार किसी ने बोला कि आप इतने पैसे दे दीजिए, आपको हम इतने परसेंटेज में महीने के देंगे. एंड ऐसे करके उसके डबल हो जाते हैं एंड देन छः आठ महीने के लिए that person disappeared. तो कैसे वो मेरे पैसे निकाले तो वो तो किटी पार्टी देखी है तो उसमें रियल लाइफ लाइफ में आप वो करेक्टर प्ले कर रहे हैं इमेजिन मैं ठग रही हूँ वो आप फिल्म देखो तो आपको पता चले चलेगा ठग रही हूँ कि नहीं बट हाँ ठगनी मैं ही इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फैन पेज

इट्स समथिंग आई आई एम एब्सलिटली शॉकड एंड एक्चुअली बियॉन्ड शॉकड मेरी इमेजिनेशन भी नहीं सोच सकती कि कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए इट कुड है बिन एनी वन सो आई डों थिंक सो समथिंग एक्जिस्ट शुड हैपिन आई थिंक मोर देन दैट कभी कभी लोग कहते हैं कि लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनती हैं स्कर्ट्स ना पहनो छोटे कपड़े मत पहनो आई थिंक इट इज़ नथिंग टू डू विद दैट इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू ब्रिंगिंग अप योर चाइल्ड बचपन से आप अपनी औलाद को अपने बच्चे को कैसी परवरिश देते हैं वो बचपन से शुरू हो जाता है सो इट ऑल स्टार्ट फ्राम द स्क्रैच योर फाउंडेशन हैज़ टू बी सॉलिड सो मोर देन वी शुड थिंक अबाउट ये मत पहनो वो मत पहनो ऐसी फिल्में मत बनाओ या वो मत करो या कुछ भी लाइक नेगेटिव पीपल टॉक अबाउट इवन आर्टिस्ट समटाइम्स आई थिंक आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है सोच ठीक होएगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू बिगिन इन देर ओन वे अपने अंतर आत्मा से एक एक इंसान को बदलने की जरूरत है लड़कियों को चेंज करने की बजाय लड़कों को शुरुआत करनी चाहिए अपने घर से हमारे पेरेंट्स को हमारे फादर्स ब्रदर्स उनको इनिशिएटिव्स ले लेने चाहिए कि किसी की बेटी या बीवी या बहन के साथ ऐसा हादसा ना होंग्लैंड वी हैव टू चेंज आरटेलिटीलिटी सोच वी हैव टू चेंज द थाट प्रोसेस एंड द फाउंडेशन हैज़ टू बी गुड वन योर चाइल्ड इज ग्रोइंग अप यू हैव टू सिट विद योर चाइल्ड यू हैव टू चेक कि वो लैपटॉप में अगर वर्क कर रहा है वॉट इज ई डूइंग इज इजी रियली स्टार्टिंग हाउ डू यू नो इज स्टार्टिंग गो एंड चेक ऑलवेज टेक इंटरेस्ट आपको रूड होने की जरूरत नहीं है यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद योर चाइल्ड यू हैव टू बी सो पैली विद योर चाइल्ड कि उनको लगे कि मेरे पेरेंट्स मेरे दोस्त हैं उसको डरने की जरूरत ना तो हो तो फाउंडेशन अगर स्ट्रॉग होगी ना तो आई डोंट थिंक सो ऐसे इंसिडेंट्स हो पाएंगे क्योंकि अगर आपका रूट ही खराब है तो फिर पेड़ को बेस्ट मैसेज आई थिंक वी आर हेयरिंग फ्रॉम तो आप पेड़ को कैसे काटोगे तो चलिए मैम डू यू वॉन्ट टू गिव एन अपीलिंग मैसेज रिगार्डिंग टू योर मूवी सबको बहुत ज्यादा हंसाने के लिए आने Please वाली है किटी पार्टी टू थिएटर्स ऑन दिसंबर वी हैव मेड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिल्म इट्स इट्स एन आउटस्टैंडिंग कॉमेडी मसाला फैमिली एंटरटेनर बच्चों के साथ जाइए बीवी बच्चे फैमिली पॉपकॉर्न लीजिए जाइए और अगर आपको स्ट्रेस है तो जाके थोड़ी देर के लिए हंस लीजिए हंसने में क्या बुराई है वॉच किटी पार्टी ऑन थर्टीन ऑफ दिसंबर एक चीज़ तो हम जरूर कहना चाहेंगे अगर कोई ही मूवी नहीं भी देखना चाहेगा ऑब्वियसली आपके ट्रेलर और प्रोमर्स देखने के बाद इतनी गॉर्जिस्ट ठगनी को देखने के लिए तो सारे ही जाने वाले थे मच मैम फॉर गिविंग अस प्रेशियस टाइम तो देखा आपने ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस मिस कायना अरोड़ा जिनकी मूवी रिलीज होने वाली है थर्टीन ऑफ दिसंबर को किटी पार्टी बहुत ही ब्यूटीफुल से सोशल मैसेजेस भी लेके आएगी और फुल एंटरटेनमेंट मूवी है गो एंड वॉच दिस वंडरफुल मूवी डोंट मिस इट मिस इट थैंक यू सो मच कैमरा मैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा टाइम्स पंजाब टीवी